नमस्कार, विख्यात फूड से मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हनी चिली पटेटो बनाएंगे। ये एक चाइनीज डिश है, बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत अच्छी लगती है। आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं ये 3 आलू जो कि बड़े साइज के हैं। एक प्याज छोटी सी, एक कटोरी हरी प्याज बारीक कटी हुई, एक शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च, आधी कटोरी टमाटो सॉस, विनेगर, 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 2 स्पून सोया सॉस, आधी स्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून शहद ले लिया है। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। अच्छी तरह से धो लिया है और देखिए ऐसे पतले पतले स्लाइस करके फिर ऐसे ऐसे लंबे लंबे स्लाइस काट लेते हैं। इसी तरह हम सारे आलू को काट लेंगे। बहुत बड़ा है तो उसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। मैंने सारे आलू के स्लाइस कर लिए हैं। एक भगोने में पानी गर्म करा है और इसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं। सारे आलू थोड़े पानी में डाल देते हैं। पानी में उबाल आने के बाद 1 से 2 मिनट तक ही इसे उबालेंगे। उसके बाद इसका पानी हटा देंगे। पानी में उबाल आ गया है, 1 से 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है। पानी हल्का सा दबने लगा है। गैस ऑफ करते हैं और पानी से आलू को निकाल लेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, इसे गर्म होने देते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप आलू भी ले सकते हैं। हम ऐसे ही हिला के चम्मच से नहीं चलाएंगे, ये तो आलू टूट जाएंगे। लिपट गया है। अभी ये आलू गर्म है, जब तक तेल गर्म होगा तब तक आलू ठंडे हो जाएंगे और इनमें अरारोट अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ये आलू डाल देंगे, थोड़े थोड़े डालेंगे। इसे हम 2-3 बैच में तैयार कर देंगे। सरसों भी डालें। आलू पकने लगे हैं, हल्का गोल्डन कलर आ रहा है। आलू भी पक गए हैं बढ़िया। अब इनको निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने 3 बैच में आलू फ्राई करे हैं। तो सारे आलू एक संग डाल के इसको एक बार दोबारा से तो गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने देते हैं। आलू को दोबारा फ्राई करने से ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अब इन सारे आलू को प्लेट में निकाल लेते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। पैन गर्म हो गया है, अब इसमें 8 से 10 कली लहसुन डाल देते हैं। निकाल के हरी प्याज में आधी प्याज डाल दें।
थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख लेती हूँ। प्याज गुलाबी हो गई है, इसमें ये टमाटर सॉस डाल देती हूँ। मैंने कॉर्नफ्लोर लगा के रखा था आलू में, ये बाउल ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसकी स्लरी बनाएंगे। आधी कटोरी पानी डालते हैं, करीब 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर था, आधा चम्मच और दे, सॉस बनाने की तैयारी कर ली है, ये इसी में सर्व लेते हैं। ये जो मैंने सिलाई बनाई है इसी में डाल देते हैं। अगर आपके बच्चे चिली सॉस डाल खाते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी गाढ़ी हो गई है, उसमें बॉइल भी आ गया है। अब इसमें ये फ्राइज में डाल देते हैं, मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। मैंने भुने हुए व्हाइट वाले चिल्ली लिए हैं, थोड़ा सा इन्हें डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और सबसे लास्ट में 1 चम्मच हनी डाल देते हैं, हनी इसका ग्लेज भी बढ़ाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा। हनी चिली पटेटो तैयार है, आइए इसे सर्व कर लेते हैं। हनी चिली पटेटो तैयार है, आप भी इसे बनाइए और बताइए ये कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।